हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हुसैन कमल आज आपके लिए लेके आया हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में जो पूछते हैं। ये चैप्टर है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित। अगर आप पूरे वीडियो को देख लिए, उम्मीद करते हैं कि आपका जो एग्जाम होगा उसमें एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। आप जितना इस चैप्टर में है इतना ही आपकी पढ़ने के लिए काफी है। इसीलिए पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की मोहर सबसे पहले कब देखी गई थी। कब देखी गई थी, आप कोई चीज को देखते हैं, कब देखी गई थी, तो 1853 ईस्वी में। तो अगला क्वेश्चन के ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता में नगर के भवन किस पद्धति पर बनी थी। किस पद्धति पर बनी थी, उत्तर होगा ग्रीट पद्धति। तो अगला क्वेश्चन फिर आपके मोबाइल स्क्रीन पर, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करना है। कॉपी कलम लेके जरूर बैठना है आपको, ताकि आपको अगर हम बोले नोट करना तो नोट कीजिएगा। वीडियो को अंत तक बने रहिए। तो क्वेश्चन है मेरा, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है। तो कौन होगा, इसका उत्तर है मोहनजोदड़ो। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लिपि का सबसे पहला नमूना कब मिला। तो 1853 ईस्वी में। फिर अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा लिपि कब सबसे पहले प्रकाश में आई थी। कब आई थी, इसका उत्तर होगा 1923 ईस्वी में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट जरूर कीजिएगा, आप अपना कॉपी कलम में लिखिएगा ध्यान से। ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व के जनक कौन है। तो आंसर होगा जनरल कनिंघम। कौन, जनरल कनिंघम। तो याद रखिएगा कौन, कनिंघम, याद एक बार मेरे साथ बोल लीजिए आप, क्या होगा, जनरल कनिंघम। तो अगला क्वेश्चन फिर आपके मोबाइल स्क्रीन पर, आप जो देख रहे हैं आपका क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा, आपको लिखना है तो मोबाइल को रोकिएगा, आप वीडियो को लिख लीजिएगा कॉपी में, तो आपके लिए अच्छा होगा। ऐसे हम पीडीएफ डालते हैं टेलीग्राम चैनल पर, अगर ज्वाइन नहीं किए तो आप कर सकते हैं, वहाँ पीडीएफ नोट मिल जाएगा आपको। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है मेरा, हड़प्पा सभ्यता का पतन कब हुआ। तो इसका आंसर होगा 1750 ईसा पूर्व। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पाई सभ्यता की लिपि किस प्रकार की है। किस प्रकार की है, चित्रलिपि है। किस प्रकार, चित्रलिपि, उत्तर होगा आपका चित्रलिपि। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सेम है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा अंतर है। भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण के पहले जनरल डायरेक्टर कौन थे। तो जनरल कनिंघम। कौन, कनिंघम। तो अगला क्वेश्चन फिर आपके मोबाइल स्क्रीन पर, ध्यान दीजिएगा, इधर उधर नजर आपको नहीं हटाना, आप पढ़ने के मकसद से अगर वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत ये इंपॉर्टेंट वीडियो, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, बहुत फायदा मिलने वाला है, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं वीडियो, ये अगर वीडियो को अगर आप पूरा देख लिए अंत तक, आपका परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जैसा भी क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछेगा, आपका हल चुटकियों में हल है। तो इसीलिए ध्यान गौर करके देखिएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता की खोज की घोषणा कब हुई थी 1924 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता की खोज की घोषणा कब हुई थी 1924 ईस्वी में। तो अगला क्वेश्चन है मेरा, हड़प्पा सभ्यता का खोज की घोषणा कौन किया था, यानी हड़प्पा सभ्यता की खोज की घोषणा कौन किया था। तो जॉन मार्शल ने किया था। जॉन मार्शल कब की थी, 1924 ईस्वी में, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका परीक्षा में होता है, बार बार रिपीट होता है, इसीलिए इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन क्या है, देखिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है, हड़प्पाई लिपि किस में सबसे पहले देखने को मिली थी। तो आपका आंसर होगा मोहरों में। तो अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका परीक्षा में बार बार रिपीट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर लीजिएगा आप ध्यान से, याददाश्त आप याद करके, मैं याददाश्त को कमजोर मत बनाइए, याद रखिएगा कि क्वेश्चन बोले थे भैया हमको नोट करना है, तो आपको नोट कर लीजिएगा कॉपी कलम, आप लेके जरूर बैठिए, नोट कर लीजिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो स्थल के बीच की दूरी कितनी थी।
हरप्पा और मोहनजोदड़ो स्थल के बीच की बीच मतलब बीच की दूरी कितना थी, तो आंसर होगा 413। अगला क्वेश्चन है मेरा, देखिएगा के मोबाइल स्क्रीन पर होगा क्वेश्चन है मेरा, हरप्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशिष्ट वस्तु है क्या है, हरप्पाई मोहर। तो क्या बोलना है आपको, हरप्पाई मोहर। तो अगला क्वेश्चन फिर आपके मोबाइल स्क्रीन पर है, हरप्पाई मोहर किस पत्थर से बनाई गई थी, किस पत्थर से बोलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिएगा, है सेल खारी। क्या है आंसर, सेल खारी, बहुत इंपॉर्टेंट। आपको कंपटीशन कोई भी एग्जाम पूछे इस चैप्टर से तो आपका हर सवाल समझिए आपका बेरा पार है, सब दुख पार हो गया। इस वीडियो को अगर देख ली, पिछला वीडियो भी कुछ इस चैप्टर को डाले हुए हैं तो आप देख सकते हैं, अगर आपको कोई भी कंपटीशन एग्जाम में पास करना है तो देख लीजिएगा, बस कुछ मतलब मिनट मिनट का वीडियो, ज़्यादा वीडियो हम नहीं बनाते लंबा ताकि आप बोर ना हो, इसीलिए हम ज़्यादा लंबा नहीं ताकि आपको रेस्ट लेके पढ़ें, इम्पोर्टेंट है कि मोबाइल में देखते हैं उसमें आँख खराब होने की भी खतरा होती है, इसीलिए हम वीडियो को कम मतलब मिनट का बनाते हैं, इसीलिए आप अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा, हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक संबंध किस सभ्यता से था, ये क्वेश्चन किस सभ्यता से था, तो इसमें देखिए किसके से, मेसोपोटामिया से है, अफगानिस्तान से है और ईरान से, आपको इस तरह का भी क्वेश्चन दे सकता है, हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक संबंध किस सभ्यता से नहीं था, तो नहीं था मैं तो ये जो दो तीन नाम बोले आपको, मेसोपोटामिया और अफगानिस्तान और ईरान, और एक दे देगा ऑप्शन में चीन, तो आपको चीन जो है उसमें संबंध नहीं था, आपको टिक करना चाहिए अगर नहीं है तो, अगर रहेगा तो ये ऑप्शन, अगर तीनों रहेगा तो इनमें से सभी, उसमें आपका चौथा ऑप्शन जो होगा चौथा में इनमें से सभी होगा, तो आपको सभी में टिक मारना है, तो आप ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन जो पढ़िएगा थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा बहुत अगर थोड़ा ना लगा दिया तो आपका एक नंबर डिलीट हो जाएगा, इसीलिए आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन को पहले आप ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि आपको 15 मिनट जो होता है आपका बुकलेट जो क्वेश्चन होता है उसमें लिखा होता है 15 में, मतलब स्टूडेंट जो है उसको पहले रीडिंग करें क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन फिर आपके मोबाइल स्क्रीन पर है, हड़प्पा में कितने अन्नागार के कोठार मिले हैं, कितना मिले हैं, तो बोलिए मेरे साथ एक बार जोर से ईमानदारी से बोलना है आपको, 6। तो बस अंतिम सवाल है दोस्त, ध्यान से देखिएगा आप, बस मोबाइल पर नजर बने रखिएगा, बस यही खत्म होने वाला वीडियो। जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो की खुदाई कब की थी, कब की थी, 1934 ईस्वी में की थी। तो दोस्त अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको और कैसा वीडियो चाहिए, तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्त अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ, फिर नई उम्मीद नई उमंग के साथ, जय हिंद जय भारत।